नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ और आप देख रहे हैं डीबी के दुबे। डीबी के दुबे में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक वीज़ा से रिलेटेड एक नया अपडेट के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि अभी रिसेंटली यूएई सरकार ने एक नया अपडेट जारी किया है। जैसे कि कल हमने एक वीडियो डाला था कि अब 90 डेज़ का विजिट वीज़ा जो है वो बंद हो चुका है, तो ये इम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर नया अपडेट है दोस्तों। ये जो नया अपडेट है वो फ्री जोन में, स्पेशली जो फ्री जोन वीज़ा में आते हैं और फ्री जोन वीज़ा के अंदर जो भी कंपनियां हैं उनके लिए जो रूल्स सब चेंजेस हुआ है, पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो आपको लास्ट तक बने रहिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि यूएई गवर्नमेंट के तरफ से जो लगातार अपने वीज़ा पर जो है अपने बदलाव लेके आई है और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सुविधा को देखते हुए ये बहुत सारे बदलाव लेके आई है। जैसे अभी जो नया रिसेंटली एक नया अपडेट आया है दोस्तों, ये फ्री जोन के अंदर में जितना भी कंपनियां हैं उन जो इनका जो इम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉय है, उनका जो काम करने वाले लोग हैं, तो वो लोग के लिए एक नया वीज़ा अपडेट जारी किया गया है दोस्तों। वीज़ा अब उन लोग का, पहले क्या होता था कि फ्री जोन के अंदर के जो लोग रहते थे उनका जो वीज़ा होता था वो 3 साल का लगता था, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है दोस्तों। तो रिसेंटली जो अपडेट नया आया है दोस्तों, उसको देखते हुए कि वहाँ पर 3 साल का जो वीज़ा नहीं लगेगा, अब सिर्फ 2 साल का लगेगा। हम लोगों नॉर्मली जो बाहर कंपनी में काम करने वाले उन लोगों को 2 साल का वीज़ा लगता है दोस्तों। जैसे कि फ्री जोन के अंदर में स्पेशल जो वर्कर लोग हैं, जैसे फ्री जोन के अंदर की जितना भी कंपनी है उनको, उनका जो वीज़ा होती है उनकी जो 3 साल की रहती है, लेकिन अभी उसको भी जो नया अपडेट के से मालूम चला है दोस्तों, उसको भी जो है वो अब 3 साल का नहीं लगेगा, 2 साल का लगेगा। तो 2 साल का लगने के बाद क्या हुआ कि अंदर जो फ्री जोन के अंदर जो काम करने वाले जितने भी भाई लोगों का जो वीज़ा है, अभी 2 साल का ही इम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगेगा, प्लस जो भी वीज़ा अभी नया रिन्यू करने वाले हैं दोस्तों वो भी, उनका भी जो है अभी सिर्फ 2 ही साल का वीज़ा जो है वहाँ पे इशू होगा। तो दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइए, और जो वीज़ा ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका वीज़ा अगर रिन्यू होता है तो 2 ही साल का लगेगा, आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना दोस्तों, क्योंकि एक नया रूल आया है, नया अपडेट आया है, तो आप लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो बाकी का जो इसका जो फ़ायदा और बेफायदा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। फ़ायदा क्या होगा इसमें कि अगर आप 2 साल के अंदर आप पहली बार कंपनी में आ रहे हैं तो 2 साल में आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कंपनी चेंज कर सकते हैं, आप कंपनी में लॉन्ग टाइम मतलब 3 साल गुजारना नहीं होगा, या फिर कंपनी अगर ख़राब निकली तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको जो है छुट्टी पर जाना होगा, फिर आना होगा, कंपनी अगर पसंद नहीं आए तो दूसरी कंपनी में चेंज आप कर सकते हैं, कैंसिल में आप जा सकते हैं, तो इस तरह का जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपको मिल जाएगी। तो 2 साल के अंदर जो 2 साल का जो वीज़ा है वो नॉर्मल जैसे हम लोग को भी मिलता था जैसे बाहर काम करने वाले, वैसे फ्री जोन का भी वीज़ा अभी 2 साल का लगेगा। जो कन्फ्यूज मत हो जाए दोस्तों, एक नया अपडेट आया है, मैं सोचा कि आपको ये अपडेट से आपको लाजिम अवगत करा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और ये अपडेट के बारे में कुछ भी अगर सवाल आप करना चाहते हैं तो चलता पर वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ में अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर आपको भाई रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, जो शाम के टाइम थे तो दोस्तों तो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा अच्छी नहीं आई है, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।